नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस के रिजल्ट के बारे में। रिलायंस का रिजल्ट कैसा आया है और क्या एक्सपेक्टेशन था बाजार का, बाजार की क्या आशाएं थी, कैसा रिजल्ट रहना चाहिए, क्या बाजार के एस्टिमेट को रिलायंस का रिजल्ट बीट कर पाया या नहीं, तो इन सारे बातों का चर्चा करेंगे। रिलायंस के शेयर के बारे में भी जानेंगे कि आगे रिलायंस का शेयर जो आपको बाय करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, तो इन सारी संभावनाओं के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, हमारे वीडियो पर देख सकते हैं कि क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट है टेक महिंद्रा का, वो भी हमने डाला है और हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी डाला है। और जो अभी है वो नोटिफिकेशन का इश्यू है, नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो अगर आपने यूनिलीवर HUL का रिजल्ट कैसा आया नहीं देखा है और आपको इस शेयर में क्या करना चाहिए, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ताकि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस शेयर में आप करते हैं तो उसके सारे रिजल्ट से आपको अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट इफेक्ट डालता है प्राइस के मूवमेंट पर, शेयर का जो प्राइस का मूवमेंट है अप और डाउन में, तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है जो रिजल्ट है। तो आप इन वीडियोज़ को देख लीजिए। तो चलिए हम रिलायंस के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि रिलायंस का रिजल्ट हमारा कैसा आया है। तो सबसे पहले हम एस्टीमेट दिखा देते हैं कि बाजार का एस्टीमेट क्या था। जो इकोनॉमिक्स टाइम्स है उसके पोल, उस पर जो पोल कराया गया था उसके अनुसार जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट फिगर था वो था हमारा रिलायंस के लिए 10,500 करोड़। यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्या रिलायंस इस एस्टीमेट को बीट कर पाया या नहीं कर पाया। जब बाजार को बीट करता है किसी कोई भी एस्टीमेट, तो आपको उस शेयर में एक तेज मोमेंटम देखने मिलता है। कहते हैं कि रिलायंस का शेयर जो है अब क्या होने वाला है और उसका रिजल्ट कैसा आया है। यहाँ पर देख सकते हैं रिलायंस क्वार्टर फोर रिजल्ट प्रॉफिट प्लंक्स 39% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू RS 4,348 करोड़। मिसेस स्ट्रीट एस्टीमेट, जो स्ट्रीट का एस्टीमेट था आपको हमने दिखाया, जो इकोनॉमिक टाइम्स है उस पर जो पोल कराया गया था उसके अनुसार जो प्रोजेक्टेड एस्टीमेट था वो 10,000 करोड़ था। यहाँ पर हमारा आया कितना, 6,348 करोड़। तो बहुत ही ज़्यादा एस्टीमेट को ये मिस किया है और प्रॉफिट जो यहाँ प्लगइन्स हुआ है 39%। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि पेट्रोलियम में कितना प्रॉफिट में फॉल आया है, रिफाइनरी में कितना फॉल आया है, ऑयल एंड गैस में कितना फॉल आया है, और जो डिजिटल सर्विस है उसमें कितना मतलब प्रॉफिट अर्न हुआ है, क्योंकि डिजिटल सर्विस जो है जियो वो प्रॉफिट अर्न करके दिया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में तेज़ी देखने मिला है जियो में। और रिटेल में कितना प्रॉफिट हुआ है, मतलब रिटेल और जियो दोनों में प्रॉफिट हुआ है रिलायंस को। और जो उसका रिफाइनरी बिजनेस है, पेट्रोलियम है, ऑयल एंड गैस है, इन सारे बिजनेस में जो प्रॉफिट में फॉल हुआ है। तो चलिए इन सारे सेगमेंट को हम बारी बारी से आपको बताएंगे कि इसमें कितना फॉल आया है। ओवरऑल देख सकते हैं कि रिलायंस जो है जो बाजार का एस्टिमेट था उसे बीट नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री ऑन थर्सडे रिपोर्टेड 38.73%, देख लीजिए 38.73% ईयर ऑन ईयर बेसिस फॉल इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है, मतलब सारे बिजनेस को मिला करके, जो पेट्रोलियम है और जो रिफाइनरी है, ऑयल गैस है, रिटेल है और जो डिजिटल में जियो है, तो सारे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है वो फॉल किया है कितना, 38.73% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो देख सकते हैं RS इतना करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड March 31 ऑफ रिलायंस। तो रिलायंस का जो March 31 का क्वार्टर है, अब देखते हैं कंपनी आल्सो अनाउंस इंडिया बिगेस्ट राइस इश्यू। जो कंपनी राइस इश्यू लाया है कितना का, 53,125 करोड़ का। और ये जो रेशियो होगा आपको वन शेयर, मतलब राइट इश्यू में आप बाय कर सकते हैं अगर आपके पास 15 शेयर है, तो वन शेयर आपको राइट इश्यू के तहत मिलेगा जब आपके पास 15 शेयर है। और किस प्राइस पर, तो 1,257 रुपीज़ के प्राइस पर। तो 1,257 रुपीज़ के प्राइस पर आप एक शेयर बाय कर सकते हैं। तो कब बाय कर सकते हैं, जब आपके पास रिलायंस के 15 शेयर होंगे तो उस पर एक राइट इश्यू के तहत आपको शेयर मिलेगा।
और करंट प्राइस रिलायंस का आप देख सकते हैं कि 1400 समथिंग है। देख लेते हैं रिलायंस का जो करंट प्राइस है हमारा शेयर का कितना है। यहाँ पर रिलायंस का देखते हैं करंट प्राइस है 1464 रुपीज़। और जो राइट इश्यू के तहत आपको शेयर मिलेगा 15 शेयर पर एक शेयर, वो मिलेगा 1257 रुपीज़ पर। तो अभी 200 का बेनिफिट्स मिल रहा है आपको राइट इश्यू के तहत। तो अगर आपके पास 15 शेयर है तो एक शेयर राइट इश्यू में ले सकते हैं, 30 शेयर है तो दो शेयर ले पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम रिजल्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन इंक्रीज्ड $8.90 पर बैरल, इतना का इंक्रीज किया है इतना पर बैरल इन फाइनेंशियल ईयर 20 में क्वार्टर फोर में ओवर इतना पर बैरल। मतलब पिछला जो हमारा था फाइनेंशियल 19 का क्वार्टर फोर, उसमें इतना डॉलर पर बैरल था जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन था, जो मार्जिन था मतलब एक बैरल में इतना डॉलर का था। और इस बार जो है हमारा एक बैरल जो रिफाइनिंग होता है तो उसमें मार्जिन बढ़ करके हो गया $8.90। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना का इंक्रीज हुआ, $0.70 का इंक्रीज हुआ मार्जिन में। उसके बाद हमारा कह रहा है कि 6.50 पर इक्विटी शेयर फाइनेंशियल, इतना में आपको डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है रिलायंस के द्वारा। तो पर इक्विटी शेयर इतना का आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड दिया जाएगा इस मतलब फाइनेंशियल में जो शुरुआत है हमारा क्वार्टर वन में, जो 31 मार्च ख़त्म हुआ, इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड दिया ₹6.50 का। और आगे है हमारा रिलायंस टेलीकॉम जियो इन्फोकॉम रिपोर्टेड इतना परसेंट, देखते हैं 177.50% ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 72.70% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। तो रिलायंस जियो में कितना का ग्रोथ हुआ है आप देख सकते हैं, 177% ईयर ऑन ईयर बेसिस और 72% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ग्रोथ। देखते हैं इतना का ग्रोथ देखने मिला है नेट प्रॉफिट में किसके, रिलायंस जियो के। बहुत ही तेज इंक्रीमेंट देखने मिला है रिलायंस जियो के प्रॉफिट में। और यहाँ पर देखते हैं इसका सब्सक्राइबर बेस ग्रो 26.30%, मतलब जो सब्सक्राइबर बेस था पहले जियो का उससे 26% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। और अब सब्सक्राइबर बेस इसके पास कितना हो गया जियो के पास, 387 मिलियन, देख सकते हैं, विथ ईच यूजर स्पेंडिंग एन एवरेज ऑफ ₹130.60। मतलब हर कस्टमर जो है हर महीना ₹130.60 खर्च करता है एक जियो सिम को चलाने में। तो देख सकते हैं एक जियो कस्टमर से हर महीना जियो अर्न करता है कम एवरेज रूप से कितना, ₹130.60, इतना एवरेज रूप से जियो अर्न करती है एक मंथ में। देख सकते हैं मंथली इस क्वार्टर में जो क्वार्टर हमारा 31 मार्च को ख़त्म हुआ है। अब आगे हम बात करते हैं जीरो डेप्ट प्लान के बारे में। रिलायंस पर बहुत ही ज़्यादा हैवी कर्ज है जिसके कारण रिलायंस का शेयर आपको परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो जीरो डेप्ट प्लान लेकर आया है रिलायंस। तो क्या है जीरो डेप्ट प्लान रिलायंस का, इसके तहत आप देखते हैं। तो देखिए रिलायंस कह रहा है डेप्ट जो है रिलायंस आउट स्टैंडिंग डेप्ट ऑन 31 मार्च 2020 स्टेड ₹3,36,294 करोड़। देख सकते हैं कितना ह्यूज डेप्ट है रिलायंस पर, 3,36,294 करोड़ का डेप्ट है रिलायंस कंपनी के ऊपर। वहीं रिलायंस के पास केस और केस के इक्विवेलेंट जो दूसरा एसर्ट है, वो दूसरा एसर्ट जो है वो कितना है, 1,75,259 करोड़। फिर भी आप इसमें अगर माइनस भी कर देते हैं तब पर भी रिलायंस के पास 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा का डेप्ट है जब आप इसके टोटल डेप्ट में इसके इस एसर्ट को माइनस कर देते हैं तब पर भी। तो देखते हैं इतने बड़े डेप्ट को कम करने का जो जीरो डेप्ट प्लान है उसके तहत रिलायंस जो है
1,00,000 करोड़ का डेप्ट कम करेगा। किसके तहत? जियो और फेसबुक का जो डील हुआ है उसके तहत, और अपकमिंग जो राइट इश्यू है जिसमें 53,000 करोड़ का राइट इश्यू ला रहा है वो हो गया, 43,000 ये हो गया। देखते हैं ऊपर से, और आपको देखते हैं ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट है ब्रिटिश पेट्रोलियम का रिलायंस में, इन तीनों को मिला करके रिलायंस जो है 1,00,000 करोड़ का डेप्ट कम करेगा। उसके बाद रिलायंस के पास बहुत ही कम डेप्ट बचेगा, क्योंकि देखते हैं रिलायंस के पास कैश और इक्विवेलेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये है रिलायंस का जीरो डेप्ट प्लान। तो यही जीरो डेप्ट प्लान ही रिलायंस के शेयर को रॉकेट बना सकता है। जैसे जीरो डेप्ट प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो रिलायंस एक रॉकेट बन सकता है। और आगे बता दें, जो सऊदी अरामको है उसके साथ भी रिलायंस का डील होने वाला है। अगर डील हो जाता है तो रिलायंस निश्चित ही जीरो डेप्ट कंपनी हो जाएगा। और आगे हम बात कर लेते हैं कि किस सेगमेंट में कितना मतलब लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है सेगमेंट वाइज। तो यहाँ पर देख सकती है पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स है हमारा। पेट्रोकेमिकल में जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ है, देख सकते हैं 24.10%। देख सकते हैं रेवेन्यू डिक्रीज किया है कितना से, 24.10% से। वहीं रिफाइनरी में जो रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है 3.4% से। देखिए एकदम डायरेक्ट हम यहां से बता रहे हैं, पेट्रोकेमिकल्स में 24.10% से, रिफाइनिंग में जो रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है 3.4% से ईयर ऑन ईयर बेसिस। वहीं कह रहा है वहीं रेवेन्यू जो है ऑयल और गैस सेगमेंट का वो 41.50% से कम हुआ है। देखते हैं ऑयल और गैस सेगमेंट में जो रेवेन्यू था रिलायंस का वो 41.50% से कम हुआ है। वहीं दूसरी और बात करें तो जो डिजिटल सर्विस है और रिटेल बिजनेस है वो इंक्रीज हुआ है। जो डिजिटल बिजनेस है उसमें जो हमारा है रिलायंस का जो रेवेन्यू है वो 30% से इंक्रीज किया है, 30% से डिजिटल सर्विस में, और रिटेल बिजनेस में 4.20% से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। और जो डिजिटल सर्विस है उसमें रेवेन्यू हो चुका है कितना, 18,632 करोड़ रेवेन्यू इतना का। और जो हमारा है रिटेल बिजनेस उसमें रेवेन्यू हो चुका है 38,211 करोड़ का। तो देखते हैं ये था रिलायंस का क्वार्टर फोर का रिजल्ट। तो आपको ये रिजल्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।